आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और वाट मीटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, वाल्ट मीटर हमेशा पैरेलल पे लगता है क्योंकि इसमें प्रेशर कॉइल होती है। एम्पेयर मीटर जो है वो सीरीज़ में लगता है क्योंकि इसमें करंट कॉइल होती है। वाट मीटर जो है पैरेलल और सीरीज़ दोनों पे लगता है क्योंकि इसमें करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों मौजूद होती हैं। तो आए कनेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेड वायर लेंगे जो फेज़ को रिप्रेजेंट करती है और इसको फेज़ में इंसर्ट करेंगे और इसको वोल्ट मीटर के फर्स्ट लिंक में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम ब्लैक वायर लेंगे जो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करती है, हम न्यूट्रल में इंसर्ट करेंगे और सेकंड लिंक में वोल्ट मीटर के इंसर्ट कर देंगे। ये जैसा कि मैंने आपको बताया पैरेलल में लगता है, इस वजह से हमने इसको फेज और न्यूट्रल दोनों दिया। अब एम्पेयर मीटर जो है सीरीज़ में लगता है, इसमें होती है करंट कॉइल। तो हमने क्या किया, फेज़ लिया यहीं से और यहाँ पर हमने इसको फेज़ दे दिया। अब इस ये करंट कॉइल होती है, इसमें क्या होता है न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको न्यूट्रल नहीं देंगे और यहाँ से हमने आउट कर दिया इसका करंट जो हमने इसको दिया। उसके बाद वाट मीटर की तरफ बढ़ते हैं। ये वाट मीटर जो है पैरेलल और ये सीरीज, प्रेशर कॉइल के अंदर हमने इंसर्ट किया वॉल्ट को तो ये एनर्जाइज हो गई इसकी कॉइल। और फिर अब हमने करंट कॉइल को एनर्जाइज करना है, इसके लिए हम प्रेशर कॉइल से करंट लेंगे, वॉल्ट लेंगे और करंट कॉइल को भी हमने एनर्जाइज कर दिया। अब प्रेशर कॉइल को हमने न्यूट्रल देना यहाँ से। उसके बाद अब ये एक लिंक रह गया है ये करंट कॉइल का, यहाँ से हम इसको डालेंगे लोड के ऊपर। हमने इसको लोड दे दिया और उसके बाद ये मज़हमत का रेजिस्टेंस का न्यूट्रल हमने इसको यहाँ से दे दिया। इसको अब ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 220 वॉट्स देंगे। अब हमारा वोल्ट मीटर भी ऑपरेट हो रहा है 220 वॉट्स पे, एम्पेयर मीटर भी हमारा ऑपरेट हो रहा है और वॉट मीटर भी हमारा आप ऑपरेट हो रहा है, देख सकते हैं। ये मज़हमत ऑन हो गई, ठीक है। इस तरह हमारा पूरा पैनल जो है, जो हमारा सर्किट था, कंप्लीट हो गया। Thank you for watching. Kindly like, share and comment.